इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 9 से 12 तक पहली पारी में ये परीक्षा होगी और सेकंड शिफ्ट की अगर बात कर ली जाए तो दोपहर 2 से 5 बजे तक दूसरी पाली में ये एग्जाम्स होंगे। 4.25 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल। 73 जिलों में 1089 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं जहां पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू हो चुकी है। सुबह 9 से 12 तक पहली पाली में ये परीक्षा हो रही है और आपको बता दें सेकंड शिफ्ट भी इसको लेकर है, 2 से 5 बजे तक दूसरी पाली में एग्जाम्स होंगे और कोरोना काल में ये सबसे बड़ी परीक्षा हो रही है तो लिहाजा इसको लेकर व्यापक इंतजाम भी किए गए हैं। एग्जाम शुरू हो चुके हैं, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं, यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा शुरू। 10 जरूरी बातें भी हैं जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए एडमिट कार्ड जरूर लेकर जाएं। तो मैं जो आपको बता दें कि जो तय सीमा है समय की उस पर भी नजर रखी जाए। ये तमाम बातों का ध्यान स्टूडेंट्स ने यहाँ पर रखा है और आपको बता दें एग्जाम शुरू हो चुका है दो पाली में, एक मॉर्निंग शिफ्ट एक सेकेंड शिफ्ट इवनिंग की। 73 जिलों में 1089 परीक्षा केंद्र रखे गए हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज और ऑडियो रिकॉर्डिंग तमाम व्यवस्थाएं हैं, नकल ना हो सके इसको लेकर भी और कोविड से बचने के लिए भी पूरी व्यवस्थाएं हैं। 8 फुट की दूरी मेंटेन करनी होगी स्टूडेंट्स को, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना होगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सैनिटाइज सीट्स को, टेबल को, चेयर को, पूरे रूम को सैनिटाइज कर दिया गया है। लिहाजा 4.25 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसमें शामिल हुए हैं, अंदर भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम है एग्जामिनेशन हॉल में और प्रशासन को भी इसको लेकर लगा दिया गया है। इसको लेकर विशेष अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं प्रवेक्षक के तौर पर और सोशल डिस्टेंस के पालन के लिए भी परीक्षा केंद्रों पर एक कमरे में 24 छात्रों की परीक्षा होगी। एक लिमिट रखी गई है स्टूडेंट्स के लिए कि एक कमरे में कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, उनमें सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन हो सके। इसके साथ ही नकल को भी रोकना है और कोरोना काल से भी बचने को लेकर ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। और जो दूरी है स्टूडेंट्स की 8 फुट तय की गई है, 2 शिफ्टों के बीच में जो ब्रेक होगा उसमें पूरा परीक्षा केंद्र सैनिटाइज होगा, यानी कि जो भी ब्रेक होगा दोनों शिफ्टों के बीच में, मॉर्निंग शिफ्ट जब खत्म हो जाएगी उसके बाद पूरा रूम और टेबल चेयर एक बार फिर से सैनिटाइज होगा, उसके बाद दूसरी पाली वाली शिफ्ट शुरू होगी, एग्जाम शुरू होंगे। तो व्यापक व्यवस्थाएं हैं, अगर स्टूडेंट्स बीमार हैं किसी तरीके का, उनको फीवर है या फिर पहले से प्रॉब्लम है तो फिर उनके प्रवेश को लेकर भी बताया जा रहा है कि उनको वापस लौटाया जाएगा। हमारे तमाम रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन गोस्वामी गाजियाबाद से, हमारे साथ जुड़ गए हैं जतिन। कोरोना काल में सबसे बड़ी परीक्षा है, इसको लेकर स्टूडेंट्स भी पूरी तरह से तैयारी कर रहे थे काफी लंबे वक्त से, अब बताया जा रहा है कि एग्जाम शुरू हो चुके हैं। बिल्कुल, देखिए एग्जाम शुरू हो चुके हैं और ये परीक्षा कई लिहाज से अहम है क्योंकि बहुत लंबे समय से विद्यार्थी चाहे वो किसी भी स्ट्रीम या किसी भी क्लास या किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी प्रोफेशनल एजुकेशन से जुड़े हुए हों, वो इंतजार कर रहे थे कि कब एग्जाम होगा क्योंकि ज्यादातर चीजें जो ऑनलाइन चल रही हैं, वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं और कोरोना काल में ये एग्जाम आया है तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए भी और चुनौती भरा है प्रशासन के लिए भी। गाजियाबाद में अगर बात करता हूँ तो 32 एग्जामिनेशन सेंटर बनाए गए हैं, 16,200 जो परीक्षार्थी हैं बीएड की परीक्षा को लेकर वो जो है एग्जाम दे रहे हैं और निश्चित है आने वाले वक्त में वो अपने करियर के लिए भी बहुत ज्यादा चिंतित होंगे तो उस लिहाज से ये महत्वपूर्ण एग्जाम वो दे रहे हैं। बाकायदा जो उनका परीक्षा पत्र है उस पर इस बात की जानकारी मेंशन की गई है कि आप मास्क लगाकर आएं, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था खुद से भी करके आएं और साथ ही साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर भी ये तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई हैं। जैसा कि आप बता रही थी कि अगर किसी विद्यार्थी को लक्षण है या फिर वो बीमार है तो थर्मल स्क्रीनिंग पहले निश्चित तौर पर की जाएगी और अगर वाकई कोई उसको फीवर या कोई और इस तरह का लक्षण निकलता है तो उससे संबंधित सावधानियां बरतते हुए उसे वापस भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर हर तरह का इंतजाम कोरोना काल की इस परीक्षा में किया गया है जो बहुत बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, सीधे तौर पर तमाम व्यवस्थाएं तो की ही गई हैं लेकिन कई जगह से ऐसी भी तस्वीरें जतिन देखने को मिल रही है क्योंकि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा हैं तो ऐसे में प्रशासन मेंटेन नहीं करवा रहा है, प्रशासन और ज्यादा मुस्तैद हो इसको लेकर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन पूरी तरह से इस मामले में सजग और सतर्क रहने का दावा कर रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि परीक्षा पत्र पर ही तमाम जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो मेंशन की गई हैं। परीक्षा सेंटर पर ये तमाम बातें बताई गई हैं। जो स्टाफ है और जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो इस बात को बता रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पूरा पालन करा रहे हैं, क्योंकि दो पालियों में ये एग्जाम होना है, तो जब दूसरी पाली शुरू होगी तो उससे बीच का जो गैप है उसमें भी जो क्लासरूम है उसे पूरी तरह से सैनिटाइज करवाया जाएगा। इसके अलावा फिर जो दूसरी बार में दूसरी पाली की एंट्री जो विद्यार्थियों की होगी उसको लेकर भी तमाम तरह के जो नियम दिशा निर्देश हैं उनका पालन करवाया जाएगा। जी, क्योंकि कोरोना काल में एग्जाम हो रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एग्जाम को पास कर लेते हैं उसके बाद क्या कुछ प्रोसेस है, क्योंकि बताया जा रहा है उसके बाद काउंसलिंग भी रखी गई है। देखिए बिल्कुल, काउंसलिंग के लिए उनको बकायदा डेट दी जाएगी और निश्चित है काउंसलिंग होना, जो बीएड के जो एग्जाम है उसके बाद काउंसलिंग होती है, एक ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन पहले से अगर बात करें तो उनको इस बारे में समझाया गया है कि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम है जिसका आप बार बार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोरोना काल का ये एग्जाम है, तो ये इसलिए भी चुनौती बड़ी हो जाता है कि ये एग्जाम आगे की दिशा और दशा को तय करेंगे कि अगर ये जो फॉर्मूला है एग्जामिनेशन का, अब दोबारा से कोरोना काल में जो एग्जाम शुरू हुए हैं ये अगर सफल रहता है तो बाकी चाहे क्लासेस की या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की बात हो उसको लेकर भी फिर सरकार जो है आगे का विचार कर पाएगी कि कैसे जो बाकी क्लासेस या बाकी प्रोफेशनल एग्जाम है उनके जो एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट कराए जाएं। जी, खुर्रम निजामी भी हमारे साथ जुड़े हैं, इसके साथ सूरज भी जुड़े हुए हैं। खुर्रम का रुख कर लेते हैं। खुर्रम निजामी, क्योंकि इस बार जो जेईई बीएड के उम्मीदवार थे उनको अपना सेंटर चुनने का पूरा अधिकार था, कोरोना काल भी ऐसे में एग्जाम्स भी हैं, किस तरह की व्यवस्था है? देखिए नलनी, आज की हम बात कर रहे हैं, आज इतवार है और आज दो एग्जामिनेशन है। एक एग्जामिनेशन उन अभ्यर्थियों का है जिन्हें बीएड प्रवेश परीक्षा में जो सम्मिलित हो रहे हैं, दूसरा एग्जामिनेशन प्रशासन का है कि किस तरह से कोरोना से बचाए अभ्यर्थियों को और उनके परिजनों को जो उनको सेंटर तक लेकर आए हैं। और अभी तक की हम बात करें तो अभी फिलहाल तो कामयाबी दिख रही है, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर सामने आई हैं जहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही है। लेकिन हमने आज जायजा लिया है यहां का, जो जहां एग्जामिनेशन जहां हॉल है जहां बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, हम वहां भी गए थे तो वहां सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन थी, दो बच्चे बैठाए गए थे एक जगह पर और 24 से ज़्यादा संख्या नहीं थी एक में। मैं नेशनल पीजी कॉलेज में खड़ा हूँ और यहां दिखाता हूं सुरक्षा के इंतजाम क्या है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस जो है वो यहाँ मुस्तैद है और किस तरीके से यहाँ पर जो सेंटर का जो मेन गेट है उसके बाहर खड़ी हुई है। तो ये दूसरी बात ये है कि अगर हम सेंटर के गेट की बात करें तो यहाँ पर पीपी किट पहने हुए तीन लोग बैठे हुए हैं जो साफ तौर पर, हालांकि वो पीपी किट वो तो नहीं है जो कि आप अस्पतालों में देखते हैं, लेकिन कोरोना बचाने के लिए एक पीपी किट जरूर पहन रखा है जो स्वनिर्मित कह सकते हैं आप उसको पहन रखा है। दूसरी बात वो उनके पास गन है जिससे वो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, और लेकिन सैनिटाइजेशन की कोई प्रक्रिया यहाँ पर नहीं है। जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको यहाँ कोविड डेस्क मिलेगा जहाँ पर वहाँ सैनिटाइज करने की व्यवस्था है, लेकिन बहुत कम लोग को सैनिटाइज किया गया है ये भी हमने देखा है यहाँ पर। और जो खास बात वो ये है कि जो बच्चे हैं उनके हाथ में कलम है, सामने ओएमआर शीट है और साथ ही सैनिटाइजेशन के लिए उनके पास एक बॉटल है, तो वक्त से पहले पहुंच गए थे। हालांकि जो एक घंटे का वक्फा दिया गया था कि एक घंटा पहले पहुंचा है, वो अमूमन एक घंटा पहले ही पहुंचना होता है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से यहाँ पर छूट मिली, क्योंकि आज लॉकडाउन है, साप्ताहिक लॉकडाउन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, तो खास तौर से बीएड एग्जामिनेशन के मद्देनजर छूट दी गई है कि जिनके पास एडमिट कार्ड है वो ट्रेवल कर सकते हैं अपनी गाड़ी से या फिर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन उसकी गाड़ी से। आज लोकल ट्रांसपोर्टेशन को अलाउ भी किया गया है क्योंकि दो पारी में इम्तिहान होना है 9 से 12 और 2 से 5, ये 3 घंटे होना था। जाहिर सी बात है, देखने वाली बात ये होगी कि जब आज का दिन गुजर जाएगा उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का क्या हाल होगा। सनोज का रुख कर लेते हैं। सनोज, क्योंकि देखिए वीकेंड लॉकडाउन भी है, लेकिन वीकेंड लॉकडाउन में छूट इन बीएड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स को दी गई है, ऐसे में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना होगा, तमाम तरह की व्यवस्थाओं पर मद्देनजर ये प्रशासन को भी मुस्तैद किया गया है, तो ऐसे में जो एंट्री होगी स्टूडेंट्स की, किन विशेष बातों का ध्यान रखा गया है इस बार? क्योंकि एक तो हमें एग्जामिनेशन में चीटिंग को भी रोकना है और कोरोना काल को के मद्देनजर भी हमें तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, दो तरीके की हमें व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगे इस बार।
हाँ देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बीएड प्रवेश परीक्षा है उसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और एक क्लास के अंदर 24 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था की गई है। बाकायदा जितने स्टूडेंट्स हैं सब अपने साथ में सैनिटाइजर लेकर आए हैं, मुंह पर सभी के मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पूरा ख्याल है वो रखा जा रहा है। इस वक्त हम राजकीय इंटर कॉलेज है, मेरठ का सबसे पुराना कॉलेज है, हम इस कॉलेज के बाहर खड़े हैं और इस कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं फतेह चंद जी वो हमारे साथ हैं खास बातचीत करने के लिए। सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि कॉलेज के भीतर चूंकि आपका स्कूल भी सेंटर बनाया गया है, किस तरीके से पूरे इंतजाम करे गए हैं वो थोड़ा सा जानना चाहूंगा। सभी कक्षों को सैनिटाइज किया गया, सब में सीसीटीवी है और फिजिकल डिस्टेंस का ध्यान रखा गया है। यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है एबनॉर्मल की स्थिति में आता है तो उसके लिए परीक्षा अवश्य दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था अतिरिक्त सावधानी के द्वारा उसे रूम में एंट्री नहीं देंगे, उसका अन्य रूम अलग से ही स्पेशल जो है ना उसके लिए व्यवस्था कर रखी है मैंने। परंतु अभी 499 के आसपास लगभग जो है 450 के आसपास छात्र हमारे अंदर पहुंच चुके हैं, अभी तक कोई एबनॉर्मल हमारे सामने नहीं आया है। यदि कोई आता है तो उसको अलग से बैठाने की पूरी व्यवस्था है। सीसीटीवी कैमराज वगैरह लगाए गए हैं और जैसे दूसरी पाली की परीक्षा होगी उसको लेकर क्या इंतजाम किया? जो प्रथम पाली में वही जो है ना प्रबंध जो है ना दूसरी पाली में भी रहेंगे, लेकिन एक व्यवस्था ये रहेगी कि जो अभी प्रथम पाली समाप्त होगी तो सभी कैंडिडेट्स जो है ना विद्यालय के अंदर ही रहेंगे, उसके लिए उनके लिए थोड़ी बहुत जलपान की व्यवस्था का करवाया है, अगर कोई छात्र चाहे तो उसके लिए अलग से व्यवस्था करा दी गई है जिससे कि छात्र बाहर ना जाएं और किसी के संक्रमण ना हो पाए। एक चीज़ हमें देखने में ये आ रही है कि देखिए तमाम स्टूडेंट्स अभी आपके पास बहुत सारी गर्ल्स आई थी जो फोटो स्टेट है भाई, चूंकि आज लॉकडाउन है, लॉकडाउन में फोटो स्टेट तो कहीं दुकान खुली नहीं है, कहा भी नहीं गया था दुकान खोले, तो ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ अलग से इंतजाम किए गए हैं? नहीं, उनके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं होते, बल्कि ये प्रबंध होता है ये कि जो है ना आसपास की जो फोटो स्टेट की दुकानें वो भी बंद करवाई जाती हैं प्रशासन के द्वारा, तो वो जानते हैं जाने क्या है, उनमें ये है कि उस छात्र की लापरवाही है, उनने निर्देशों को ध्यान से पढ़ाई नहीं है जबकि एक सप्ताह पहले डाउनलोड हो गए हैं और इस समय आ रहा है तो स्पष्ट लापरवाही दिखा दे रही है। ये आने वाले भावी अध्यापक बनेंगे तो इतना तो इनको अवेयर होना चाहिए, इनको अवेयर होना चाहिए। देखिए नली, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनको फोटो कॉपी करा के जो उनको प्रवेश पत्र दिया गया था उसकी फोटो कॉपी साथ में लानी थी, जिन स्टूडेंट्स की फोटो कॉपी साथ में नहीं आई है उनको कॉलेज के भीतर एंट्री नहीं की गई है। और देखिए नियम ये कहता है कि हाँ। जब भी कोई प्रवेश परीक्षा या कोई भी परीक्षा होती है, कोई एग्जाम होता है, तो कॉलेज या उसके आसपास के 200 मीटर के दायरे में जो भी फोटो स्टेट्स या इस तरह की जो दुकानें होती हैं उनको एहतियात के तौर पर बंद करा दिया जाता है, वो दुकानें बंद है। ऐसे पूरे मेरठ में न जाने करीब 300 से 400 स्टूडेंट्स रहते हैं कि जो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, वो चक्कर काट रहे हैं, 9:30 बजे के बाद उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट्स की भी लापरवाही ये जरूर रही है कि जब उनको बताया गया था कि जो आपको पत्र मिला है उस पत्र की कॉपी जरूर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, ठीक है जतिन गोस्वामी, जैसा कि आप सुन भी रहे हैं कि कई स्टूडेंट्स अपना जो एडमिट कार्ड है वो लेकर नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि वहां पर प्रिंटिंग मशीन की शॉप्स बंद है, पहली चीज। और दूसरा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे क्योंकि वो विरोध कर रहे थे COVID-19 के दौर में एग्जाम देने को लेकर और अभिभावक भी इसका विरोध कर रहे थे, क्या वो भी स्टूडेंट्स नहीं पहुंच रहे होंगे? देखिए तमाम तरह की परेशानियां तो निश्चित तौर पर आ ही रही हैं और क्योंकि अभिभावक भी नहीं चाहते थे, बहुत जगह पर हमने देखा था कि एग्जामिनेशन हो और अभी भी आगे जो स्कूल खुलने की भी बात है उसको लेकर भी अभिभावक विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर समस्याएं जरूर खड़ी हो रही हैं। लेकिन जतिन गोस्वामी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लगातार जतिन यही बता रहे हैं कि तमाम तरीके की समस्याओं का सामना इस बार स्टूडेंट्स को करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए जैसा सनुज भी बता रहे थे मेरठ से कि पहले इन्फॉर्मेशन जब दी गई थी स्टूडेंट्स को तो फिर आखिर ऐसे स्टूडेंट्स क्यों हैं जिनको अभी प्रिंट आउट निकलवाना है, स्टूडेंट्स पहले से ही व्यवस्था नहीं करके रखते हैं, लापरवाही उनकी तरफ से बढ़ती गई है जिसकी वजह से उनको एंट्री नहीं मिली है। दूसरी चीज ये कि तमाम प्रोटोकॉल्स यहाँ पर उनका पालन करना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम शुरू हो चुके हैं और हमारे रिपोर्टर लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से बने हुए हैं क्योंकि यूपी में पूरे अलग अलग जिलों में एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं और इसको लेकर जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर ली गई हैं। खुर्रम और सनुज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खुर्रम, आप भी जैसा कि बता रहे थे लगातार व्यवस्थाएं तो की ही गई हैं लेकिन जैसा सनुज बता रहे हैं कि लापरवाही स्टूडेंट्स की तरफ से भी देखने को मिली है, कॉलेज के आसपास
के दायरों में जो कि हिसाब होता है स्टूडेंट्स का हमेशा है कि जब हम पहुंचेंगे तब प्रिंटआउट निकलवा लेंगे, तो ऐसे के स्टूडेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं क्या? देखिए लखनऊ में तो अभी तक तो ऐसे कोई छात्र मिला नहीं है जिसको ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन हाँ जो बाकी छोटे जिले हैं वहाँ जरूर ये दिक्कत आ सकती है, इसकी संभावना इसको नकारा नहीं जा सकता है। जो ये लापरवाही स्टूडेंट की तरफ से हुई है, ऐसा नहीं है कि आपको दो घंटे पहले ही बताया गया था कि आज एग्ज़ाम है, पहले बता दिया गया था, उसके हिसाब से प्रशासन तैयारी भी की थी, तो इसको पहले सूचित कर लेना चाहिए था कि फ्राइडे तक ही, सैटरडे संडे लॉकडाउन जरूर है लेकिन फ्राइडे की हम बात करें तो वहाँ ऐसी स्थिति नहीं थी, उस दिन आप प्रिंटआउट निकाला सकते थे। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दूसरी आ रही है छात्रों के सामने, वो ये आ रही है कि कई लोग जो हैं, जो ठीक है लोकल ट्रांसपोर्टेशन का अलाउ कर दिया गया प्राइवेट है तो ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती थी, उसका समाधान कर दिया गया, लेकिन जो छात्र हैं उनके सामने जो बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो छात्र सेंटर पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पर बहुत अच्छा बंदोबस्त नहीं है सैनिटाइजेशन को लेकर के, तो खुद अपने पर निर्भर रहना पड़ रहा है छात्रों को कि उन्हें सैनिटाइजेशन के बॉटल, सैनिटाइजर के बॉटल अपने पास रखनी होती है जिसे खुद सैनिटाइज करना है, तो कहा जाए कि आम सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा तो यहाँ ये है। लेकिन जो प्रशासन की हम बात करें तो फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग को उन्होंने किया और साथ ये भी कहा कि कोई टेम्परेचर ज़्यादा होता है और या उनको शक होता है कि उसकी तबीयत तो सही है, उसको मिक्स नहीं किया जा सकता तो उसके अलग कमरे का इंतजाम किया गया, वहाँ अकेला बैठ के वो इम्तिहान दे सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल जो छात्र उठा रहे हैं और काफ़ी सारे शिक्षक भी उठा रहे हैं कि जब कोरोना काल चला था आखिर ज़रूरत क्या थी आपको एग्जामिनेशन करने की, और साथ ही उनका ये भी कहना था शिक्षकों का कि जो छात्र हैं वो अगर आएंगे तो आप एक तो पहचान नहीं सकते कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है, तो इन हालात में इसको टाला जा सकता था। अच्छा, टाला नहीं गया तो जाहिर सी बात है जो पहले जो फर्जी जो फर्जी परीक्षार्थी हैं उनको भी पहचानने की पूरी कोशिश की जा रही है फेस आइडेंटिटी के तहत भी, इसको लेकर क्या बंदोबस्त किए गए हैं क्योंकि ऐसे कई केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पर फर्जी परीक्षार्थी पहुंचते हैं एग्जाम देने के लिए? देखिए तीन चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, अगर देखा जाए मोटा मोटा तीन से चार चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है। पहली बात तो ये सुरक्षा व्यवस्था करना चाहिए प्रशासन के जिम्मे, दूसरी बात सैनिटाइजेशन का रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया, और साथ ही जो फर्जी परीक्षार्थी उनका भी ध्यान रखा जा रहा है कि उनको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। एक बात ये कह गई थी कि वो फेस के जरिए फेस आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, वो नहीं हो पाई है। लखनऊ शहर में अभी तक किसी सेंटर में फेस आइडेंटिफिकेशन नहीं देखा है, लोग आई कार्ड लेकर एडमिट कार्ड लेकर पहुँच रहे हैं और उनको अंदर जाने की इजाज़त मिल जा रही है, तो जाहिर सी बात है उनको करने के लिए जो तरीका अडॉप्ट किया जा रहा है वो तरीका बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिनके पास फर्जी एडमिट कार्ड है जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस है, वाइट कॉलर क्राइम्स को कहा जाता है, उसको काउंटर करने के लिए तमाम तरीके अडॉप्ट किए जरूर गए हैं, वो क्या किए गए हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन कोशिश यही की गई है कि इस बार कम से कम वो फर्जी एडमिट कार्ड के जरिए कोई अंदर दाखिल ना हो सके, कोशिश की जा रही है। कितनी कामयाब हो पाई है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आज मैंने पहले भी कहा आपसे कि आज दो इम्तिहान है, पहला इम्तिहान उन अभ्यर्थियों का है जो कि अंदर बैठे एग्जाम दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। एग्जाम आज है स्टूडेंट्स के और वो शुरू भी हो चुके हैं, इसके बाद जो स्टूडेंट्स एग्जाम को पास कर लेते हैं उसके बाद काउंसलिंग होगी जो कि पहले जून में रखी गई थी लेकिन अब इसके लिए डेट्स आगे तक बढ़ा दी गई हैं, जो लोग एग्जाम को पास कर लेंगे उनको काउंसलिंग से गुजरना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जैसा कि खुर्रम भी बता रहे थे कि दो तरह के एग्जाम, दो लोगों के एग्जाम है इस बार, प्रशासन का भी एग्जाम है इस बार और स्टूडेंट्स का भी सीधे तौर पर एग्जाम इसलिए भी है क्योंकि प्रशासन को इस बार साबित करना होगा कोरोना काल के बीच में सबसे बड़ी परीक्षा कंडक्ट हो रही है, तो ऐसे में प्रशासन कितना मुस्तैद है। जो दावे किए जाते हैं कि प्रशासन लगातार कंट्रोल कर रहा है, हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए है, वैसे में बहुत ज्यादा जरूरी और एक एग्जाम कह लीजिए प्रशासन के लिए कि कैसे इतनी भारी मात्रा में स्टूडेंट्स को मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना और तमाम जो व्यवस्थाएं वहां पर की गई है उसके मद्देनजर भी सख्ती से इसका पालन करवाना, क्योंकि बताया जा रहा है कि कई स्टूडेंट जो पहुंच रहे हैं उनको अगर हल्के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं, किसी को फीवर है किसी को जुकाम है, तो उनको अगर बहुत ज्यादा सिम्टम है तो उनको वापस घर भेज दिया जा रहा है, अगर माइनर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो उनको अलग से उनके लिए डेस्क रखा गया एग्जाम देने के लिए। तो अंदर किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है ये तो पता चल पाएगा जब स्टूडेंट्स निकलेंगे बाहर एग्जाम देकर, लेकिन कई जो एग्जाम सेंटर्स हैं वहां पर व्यवस्थाएं बहुत अच्छी देखने को मिल रही हैं, लेकिन कई जो एग्जाम सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर व्यवस्था खस्ता हाल है, यानी कि प्रशासन वहां पर नहीं है, कई जगहों पर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है स्टूडेंट्स को, और यही वजह है कि स्टूडेंट्स अपना सैनिटाइजर लेकर पहुंच रहे हैं क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है, तो ना पेरेंट्स चाह रहे थे कि एग्जाम हो ना ही स्टूडेंट्स चाह रहे थे, लेकिन तमाम चीजों के मद्देनजर अब ये एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं तो व्यवस्थाएं दुरुस्त हों इसकी पूरी जिम्मेदारी यहां पर प्रशासन की बन जाती है।
तो एग्जाम शुरू हो चुके हैं और लगातार अपडेट आपको पहुंचाएंगे कि यूपी के अलग अलग एग्जामिनेशन हॉल्स में, एग्जामिनेशन सेंटर में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी लगातार हर जगह से बने हुए हैं पल पल की अपडेट देने के लिए। एग्जाम्स जब हो जाएंगे तो उसके बाद काउंसलिंग की डेट भी आएगी।